और हमें हर एक मसीह विश्वासी को इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए। हालेलुया, ये बेसिक सवाल है आपके फेथ के ऊपर, आपके विश्वास को लेकर बेसिक से सवाल हैं ये, और उससे पता भी चलता है भी आप प्रभु को क्या समझते हैं, कौन है वो, आपके ऊपर प्रभु की पहचान जाहिर हुई भी है कि नहीं हुई है, क्या जानकर आप क्या फेथ करके आप चल रहे हैं, क्या एवं बस सुते उठ के आगे वर्शिप कीती, गीत गाए, आराधना कीती और चलो जी ठीक है जी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। जब तक हम जानते नहीं हैं परमेश्वर को, क्या आप परमेश्वर को बिना जाने उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं, उसकी प्रेज कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं आप बिना जाने? मानो भाई विक्टर हैं किसी तीसरे आदमी के सामने, यदि मैंने इनकी प्रेज करनी है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जीवन इनका, बहुत अच्छा स्वभाव है, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे कहूँगा किसी को? आप परमेश्वर को जब आप वर्शिप करते हैं, You cannot worship God until you know Him. वचन से सबूत चाहिए? है? वचन से चाहिए सबूत? यीशु मसीह सामरी औरत को कहते हैं, कहते तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी करते हैं जिसको हम जानते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, परंतु जो भी घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह परमेश्वर को जानता और पहचानता है। हालेलुया। तो थोड़ा पता चलना चाहिए कि आप परमेश्वर को जानते भी हैं कि नहीं।